नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी विषय में दैनिक पाठ सुनने की डायरी किस प्रकार से बनाएं। बाकी आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। बाकी और कोई भी डायरी में समस्या आती है तो आप प्लेलिस्ट में सभी विषयों की और सभी डायरियों की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले दिनांक लिखना है, फिर कक्षा, जिस कक्षा का टॉपिक है, कक्षा 7 है, संबंध इकाई है व्याकरण, विषय है हिंदी और प्रकरण है गुण संधि, उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ज्ञानात्मक। विद्यार्थी गुण संधि के अंतर्गत संधि युक्त शब्दों का प्रत्यक्षण कर सकेंगे। विद्यार्थी स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि युक्त शब्दों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्द जैसे महेंद्र, नरेश, रमेश आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अर्थग्रहण, विद्यार्थी संधि युक्त शब्दों को सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्दों को ध्यान में पढ़ते हुए अर्थग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्दों का अन्य संधि युक्त शब्दों से तुलना कर सकेंगे। कौशलात्मक, विद्यार्थियों में गुण संधि युक्त शब्दों को वाक्य रचना करने की कुशलता विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी अन्य उदाहरण दे सकेंगे। अभिवृत्त, विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्दों का स्पष्ट रूप से वर्णन कर सकेंगे। विद्यार्थी गुण संधि की परिभाषा दे सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थियों में अन्य गुण संधि युक्त शब्दों को जानने की रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी गुण संधि युक्त नवीन शब्दों का चयन व संकलन कर सकेंगे। सहायक सामग्री, सवितवर्ती का चार्ट, संकेतक, लपेट फलक आदि। शिक्षण विधि, प्रविधि, स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गुण संधि के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, संधि का चार्ट प्रस्तुत करते हुए छात्र अध्यापिका क्रिया है, विद्यार्थी क्रिया है। प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? संधि से। संधि को के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। संधि के भेदों के नाम बताइए, स्वर, व्यंजन व विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेदों के नाम बताइए, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि। गुण संधि के बारे में हम क्या जानते हैं? यह हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम गुण संधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पाठ का विकास। इसमें 4 कॉलम होते हैं, अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्याम पठ सारांश एवं सहायक सामग्री। संश्लेषण से विश्लेषण, छात्र अध्यापिका आगमन विधि में संधि युक्त पदों का संश्लेषण से विश्लेषण करेगी। छात्राएं ध्यानपूर्वक मनोयोग से सुनेगी। छात्र छात्रा, भारतेंदु एक अच्छी नाटककार थे। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। भारतेंदु, भारतेंदु शब्द का संधि विच्छेद होगा, भारत प्लस इंदु। भारत शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ए। इंदु शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ई। ए प्लस ई स्वरों के योग से नवीन स्वर क्या बनेगा? ए प्लस ई ए। तो ये आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, गुण संधि में आ के बाद ई, छोटा ई, बड़ा ई हो तो ए बनता है। ए आ के बाद ऊ, ऊ आए तो ओ बनता है। छात्राएं ध्यानपूर्वक मनोयोग से सुनेगी, प्रमाणीकरण है ये। जब ए आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। ए प्लस आ, सॉरी, ए या आ प्लस ई ए हो जाएगा। ए और आ रहेंगे और ऊ ऊ रहेगा तो ओ हो जाएगा। ए और आ रहेंगे और री रहेगा तो अर हो जाएंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ये आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए आगे बढ़ना है। विश्लेषण से संश्लेषण, छात्र अध्यापिका आगमन निगमन विधि द्वारा संधि विच्छेद शब्दों का विश्लेषण से संश्लेषण करेगी। महेंद्र, महेंद्र अच्छा लड़का है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? महेंद्र। महाप्लस इंद्र का पूर्ण पद क्या है? महेंद्र, प्रथम पद। आ कौन से पद का अंतिम स्वर है? महा का, प्रथम पद। ई कौन से पद का प्रथम स्वर है? इंद्र, द्वितीय पद। ए सॉरी, आ प्लस ई के योग से कौन सा नवीन स्वर आएगा? आ प्लस ई ए। ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद नरेश, नरेश पुस्तक पढ़ता है। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? नरेश। नर प्लस ईस का पूर्ण पद क्या है? नरेश। ए कौन से पद का अंतिम स्वर है? नर, प्रथम पद। ई कौन से पद का प्रथम स्वर है? ईस, द्वितीय पद। ए प्लस ई के योग से कौन सा नया स्वर बनता है? ए प्लस ई ए। ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद परोपकार, परोपकार ही मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। वह प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? परोपकार। पर प्लस उपकार का पूर्ण पद क्या है? परोपकार। ए कौन से पद का अंतिम स्वर है? पर, प्रथम पद। ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए आगे बढ़ना है। उ कौन से पद का प्रथम स्वर है? उपकार, द्वितीय पद। ए प्लस उ के संयोग से कौन सा नया स्वर बनेगा? ए प्लस उ ओ।
नियमीकरण, जब ए और आ के सामने ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। संश्लेषण, संधियुक्त शब्द, भारत प्लस हिंदू भारतेंदु, महा प्लस इंद्र महेंद्र, नर प्लस ईश नरेश, महा प्लस ऋषि महर्षि। इसके बाद विश्लेषण, संधियुक्त शब्द नरेंद्र रमेश परमोत्सव लंबोदर, और इनके जो संधि करनी है इस तरह से शब्दा देना है, संधि विच्छेद इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अभ्यास कार्य देना है, छात्रा दीपिका समस्त विद्यार्थी को अभ्यास कार्य देगी। न प्लस इति ये क्या बनेगा, ज्ञान प्लस ईश क्या बनेगा, यथा प्लस इच्छा, ज्ञान प्लस उदय। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं, यथोचित शब्द में कौन सी संधि है, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जल प्लस ऊष्मा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, गंगा प्लस उर्मी का पूर्ण पद क्या है, दीपोक्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, महोदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए देना है, गुण संधि की परिभाषा देते हुए पांच उदाहरण लिखिए। इस तरह से एक हिंदी विषय की हमारी रिलेशन प्लान कंप्लीट होती है। और बाकी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।